India's defense exports skyrocket to 2.5 billion dollar in 2023-24. India's defense production hits record of rupees 1.27 lakh crore in 2023 and 24. Tata's to set up defense factory abroad, fighter engine deal likely this year says HAL CMD.

जुलाई से लेकर सितंबर 2024 के बीच की है इनके मुताबिक अगर देखा जाए तो इंडियन डिफेंस सेक्टर अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है आत्मनिर्भर भारत की और खासतौर पर एक्सपोर्ट्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंडिया इस वक्त सेल्फ रिलायंस और डिफेंस एक्सपोर्ट्स की और पूरा फोकस कर रहा है ग्रो कर रहा है क्योंकि डिफेंस इक्विपमेंट्स की ग्लोबल डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से इसकी फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छी दिख रही है डिफेंस सेक्टर एक बी सेक्टर है यानी कि बिजनेस टू गवर्नमेंट सेक्टर है तो डिफेंस बिजनेस में आने वाली कंपनीज एक तरह से गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ काम करती हैं। करेंटली इंडिया के डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो मेजर स्टॉक्स हैं, पीएसयू स्टॉक्स हैं उनमें जो करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है और जो इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन दोनों के बीच में हमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है अभी अभी जो मैंने आपको कहा ये मैंने पॉजिटिव नोट पे कहा कहने का मतलब ये है कि डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स करने की जो अपॉर्चुनिटी आपको आज के टाइम पे मिल रही है ये अपॉर्चुनिटी आपको फ्यूचर में आने वाले समय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे सकती है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो जो इसका लास्ट हाई गया था वो था एट का और प्रीवियस डे यानी कि थर्टी सितंबर 2024 को ये क्लोज हुआ था 6,658 पे यानी कि इस इंडेक्स में आपको सीधे थाउजेंड -सीधे सिक्स का करेक्शन देखने को मिल रहा है आज के टाइम पे अभी जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप समझ जाएंगे जो अपॉर्चुनिटी आपको यहां पर मिल सकती है इस इंडेक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करने की तो आइए बात करते हैं बाकी की डिटेल्स की तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन डिफेंस सेक्टर की पास्ट एंड फ्यूचर ग्रोथ वाई टू इन्वेस्ट इन डिफेंस सेक्टर नाउ ईजिएस्ट एंड बेस्ट डाइवर्सिफाइड वे टू इन्वेस्ट इन डिफेंस सेक्टर तो सबसे पहले अगर हम डिफेंस सेक्टर के इंडेक्स यानी कि निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को ठीक से समझ लेते हैं तो यहां पर मैंने ओपन की हुई है इस इंडेक्स की फैक्शीट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स विच एम्स टू ट्रैक द परॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स दैट ब्रॉडली रिप्रेजेंट्स द डिफेंस थीम द वेट ऑफ द स्टॉक्स इन द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन देयर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक वेट आर कैप्ड एट ट्वेंटी परसेंट ईच अगर हम नजर डाल लेते हैं इसके टॉप टेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि एच ए एल बीई एल कोचिन शिप यार्ड बी डी एल और दूसरी कंपनीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी वहीं अगर हम इस इंडेक्स के पास रिटर्न्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं टोटल रिटर्न्स के अंदर इसके ईयर टू डेट रिटर्न्स हैं 60.36 परसेंट के पिछले वन ईयर के रिटर्न्स हैं 104.76 परसेंट के और लास्ट फाइव ईयर्स के रिटर्न्स हैं फिफ्टी के और सिंस इंसेप्शन इसने रिटर्न्स दिए हैं 35.76 परसेंट के लास्ट वन ईयर में ये थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा है इसका बीटा है 1.38 का, जबकि फाइव ईयर्स का बीटा इसका है 0.8 का और ये इंडेक्स रीबैलेंस होता है सेमी एनुअली यानी कि हर छह महीने में एक बार इसमें रीबैलेंसिंग चलती है और जो आपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहां पर देखे थे ये थे टॉप टेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स और टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है सिक्सटीन आप इस वीडियो को पॉज करके टोटल सिक्सटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं उनको देख सकते हैं अब बात करते हैं वाई टू इन्वेस्ट इन डिफेंस सेक्टर नाउ तो मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है एच ए एल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और मैंने अपनी पी एस सी स्टॉक्स वाली वीडियो में भी इस स्टॉक के बारे में बात की थी अगर हम यहाँ पर इसका जो हाई गया था वहाँ से लेके अभी तक के करेक्शन की बात करते हैं यानी कि यहाँ से लेके जो आज का डे था फर्स्ट अक्टूबर टू तक की तो यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है 21.98 परसेंट का यानी कि ऑलमोस्ट 22 परसेंट का करेक्शन यहाँ पर है और जब मैंने लास्ट टाइम बात की थी तो मैंने यहाँ पर कुछ सपोर्ट जोन ड्रॉ किए थे और आपसे कहा था कि अगर ये स्टॉक इस सपोर्ट जोन को टच करता है तो आप बाइंग कर सकते हैं सेकेंड सपोर्ट जोन ये वाला एरिया है जहाँ तक ये स्टॉक फर्दर करेक्शन ले सकता है जो कि इसने लिया और वापस हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट पॉइंट था वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है उसके बाद अगर हम बात करते हैं बी यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और यहाँ पर अगर हम करेक्शन की बात करते हैं इसके हाई से यहाँ से लेके आज तक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है 16.64% परसेंट के आसपास का और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये अपने मेजर सपोर्ट जोन जो है उसके आसपास ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास आता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बी और अगर मैं यहाँ पर करेक्शन की बात करता हूँ तो ऑल टाइम हाई से यहाँ पर बहुत बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है ये करेक्शन है 37.26 परसेंट का और अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका मेजर सपोर्ट जोन है उसके आसपास ही ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है उसके बाद हम बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है फिर से अगर हम मेजर करते हैं यहां से लेकर आज तक की डेट पे तो यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है फोर्टी का यानी कि फोर्टी का करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है और अगेन फिर वही बात की ये अपने मेजर सपोर्ट के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है यानी

मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इस पोस्ट में आप देख सकते हैं जो पोस्ट हुई थी ट्वेंटी फोर्थ 2024 टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में डिफेंस सेक्टर का जो टारगेट है वो है रुपीज थ्री लाख करोड़ एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन एंड रुपीस फिफ्टी थाउजेंड करोड़ एक्सपोर्ट्स एक्सपेक्टेड बाय 2028-29 बाय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह तो डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट है थ्री लाख करोड़ का और डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है करोड़ का बाय जो टाइम्स होगा फ्रॉम और द इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है सोर्सेज सेट दैट सेवरल मेजर मिलिट्री एक्सपोर्ट्स टू नेशन लाइक फिलीपींस वियतनाम एंड आर्मेनिया वर इन द पाइपलाइन एंड कुड बी लिंक इन द कमिंग मंथ तो इस सेक्टर के पाइपलाइन में एस्टिमेटेड है 138 बिलियन डॉलर ओवर फाइनेंशियल ईयर 2024 टू फाइनेंशियल ईयर 2032 डिफेंस बजट की अगर हम बात करते हैं तो ये है सिक्स लैक ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी करोड़ का विच इज थर्टीन पॉइंट जीरो फोर परसेंट ऑफ द टोटल बजट वहीं अगर मैं लास्ट टेन इयर्स के एक्सपेंडिचर में जो ग्रोथ हुई है अगर मैं उसकी बात करता हूं तो 2013 से लेके 2024 तक अगर आप देखेंगे तो 2013 में ये था 47.40 बिलियन डॉलर का 2014 में इंक्रीज़ हुआ 2015 में इंक्रीज़ हुआ और इंक्रीज़ करते करते बाय द ईयर 2022 ये आ गया है 81.36 बिलियन डॉलर का वहीं अगर हम बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे इस आर्टिकल की बात करते हैं तो दो में इंडिया रैंक फोर्थ इन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग्स एट एट्टी बिलियन डॉलर इस लिस्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सबसे टॉप पे है फिर है चाइना रशिया और उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है इंडिया मेजर एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया एक्सपोर्ट्स टू 84 डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड और इनके जो टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं वो है चेतक जिसका मैन्युफैक्चरर है एच ए एल कोस्टल सर्विलेंस जिसका मैन्युफैक्चरर है बीई और लाइट वेट टॉर्पीडो जिसका मैन्युफैक्चरर है बी भारत डायनामिक्स लिमिटेड तो ये था मोटा मोटा डेटा आपको ये दिखाने के लिए कि डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ आने वाले समय में आपको कैसे मिल सकती है अब बात करते है कि इस इंडेक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने का बेस्ट और इजिएस्ट वे आपके पास क्या है तो एक तरीका आपके पास है कि इस इंडेक्स के अंदर जो हमने डिफरेंट कंपनीज देखी हैं हैं टोटल 16 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे उनमें आप अलग अलग जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें लेकिन ये काम मोस्टली वही लोग कर सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस सब करना जानते हैं और सही एलोकेशन डिफरेंट स्टॉक्स में कर सकते हैं या सेकंड और इजिएस्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप डिफेंस सेक्टर का जो इंडेक्स है डायरेक्टली उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट

ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ ये ई ट्रैक करता है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स टी को मतलब वही इंडेक्स जो हमने वीडियो के शुरुआत में देखा था इस ई के थ्रू जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप तीनों ही सेक्टर की कंपनीज में जाती है विच इंक्लूड्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स तो ये एलोकेशन कैसे डिवाइडेड है आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस ई में आप मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पांच से और उसके बाद वन के मल्टीपल में और एग्जिट लोड की बात करते हैं